ओ हाय, ये अरे बड़े मच्छर हो गए मेरे घर में। और तुम्हें बता दूं, मैं मोर्टीन वोटिन यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत तकलीफ देती है बाद में। सबसे बढ़िया अपनी अगरबत्ती जलाओ और मोर्टीन से पीछे छुड़ाओ। तो जैसे ही तुम्हें समझ आ गया होगा, मच्छर बढ़ गए हैं तो बहुत जगह मच्छर बढ़ गए हैं, और मच्छर बढ़ गए हैं तो थोड़ा शोर शराबा भी होगा जैसे कि पीछे हो रहा है। और लास्ट वीक जो मूवीज रिलीज हुई उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, तो हाँ इसको लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं उन्हीं 3 मूवीज के बारे में जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई। उन मूवीज से ज्यादा चर्चा में रही उनके पीछे की कॉन्ट्रोवर्सीज, जो कि मजे दे रही है भाई फुल टू फुल। क्योंकि मैंने मूवीज तीनों नहीं देखी बट कॉन्ट्रोवर्सी फुल फॉलो करी, मजा आया। और एक पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सी मेरी भी है, उस पर भी बात करूंगा। क्योंकि देखो, जहां मौका मिले वहां अपने अकेले लड़ना चाहिए, तो वो वाली बात आ रही है। सो यार, लाइट थोड़ी चेंज कर दी है, पीछे ये जल रही थी अब ये कर दिया है। तो हाँ, पीछे के शोर को इग्नोर करना क्योंकि तुम्हें पता है कि आज इससे बड़े धमाके, अब बहुत ज्यादा शोर जो चल रहा है रियल लाइफ में उस पर बात करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि 3 कॉन्ट्रोवर्सी संभालनी है तुम्हें आज की वीडियो में। और हाँ, कहाँ था क्या था वो अगली वीडियो में पता चलेगा। अगली वीडियो आने वाली है अच्छा रिव्यू, उसको एडिट होने में टाइम लगा, कल रात को भी कर रहा था बट थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ किसी फेज से, तो हाँ उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया बट तुम समझ सकते हो भाई को। ठीक है, भाई आता है कंटेंट देके जाता है तो कंटेंट देके जाएगा। तो सबसे पहली ही अपनी जो कंट्रोवर्सी है उस पर बात करते हैं, जो कि थोड़े चिल वाइब में है बट चिल वाइब नहीं होनी चाहिए। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक मूवी का नाम है जो कि रिलीज हुई, जिसमें हमारे विक्की जिस त्री यूनिवर्स के विक्की हैं वो इस मूवी में विक्की बने हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव और उनके साथ ही तृप्ति डिमरी एज विद्या। और तुम्हें वो वाला वीडियो से तुम्हें समझ आ गया, इसका ट्रेलर भी मैंने करा था तो तुम्हें पता है कि क्या स्टोरी है। और ये फनी जॉनरा में ले डाउन करती है मूवी, बट मूवी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी ये होगी, उस पर बात करते हैं। मूवी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी ये हो गई कि जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने स्त्री को यूज़ करा, लिटरली दूसरे यूनिवर्स के एक कैरेक्टर को यूज़ करा, आईक्यू को यूज़ करा और अपने मूवी में दिखा दिया 20 मिनट के लिए, सीधा 20 मिनट के लिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं 10-15 मिनट, 10-5 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं तुम अगर किसी कैरेक्टर को दिखा रहे हो। और विदाउट कंसेंट जो ओरिजिनल राइट्स हैं जिसके पास, मतलब तुम इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, छोटी यूट्यूब वीडियो थी तो भी इंसान झेल लेता है, बट तुमने पूरा वो लेके तुमने वो नहीं लिया, समझ रहे हो? कंसेंट ही नहीं लिया और डायरेक्टर को पता ही नहीं है सामने वाले। तो फिर उन्होंने एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा जिसमें उन्होंने सॉरी कहा कि मेरे को पता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे को कंसेंट लेना चाहिए था, मेरे को राइट्स लेने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी सामने डायरेक्टर से। बट मुझे लग रहा है कि एमओसी के साथ जो अमर कौशिक का पॉडकास्ट हुआ था, कौन है अमर कौशिक नहीं पता, तो स्त्री के जो डायरेक्टर हैं उनका पॉडकास्ट आया था एमओसी के साथ, मैन ऑफ कल्चर के साथ, तो शायद से उसी कैजुअल बिहेवियर को देख के उन्हें लगा कि भाई ये कुछ नहीं कहेगा, बट भाई की जनता ने बहुत कुछ कहा और वो झेलने के लिए कान थोड़े ना नम होने लग गए थे भाई के। तो अच्छा हुआ कि सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें, ट्वीट कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि मैं 24 अक्टूबर से पहले पहले ट्रिम आउट भी कर दूंगा ये जो पूरा जो झमेला मैंने फैला दिया अपने मूवी में, और वो बहुत शर्मिंदा है इस काम को करके। तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है बट है, क्योंकि राइट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है आजकल की मूवीज, और उन राइट्स को मैनिपुलेट करके कैसे कुछ लोग अपना फायदा देख लेते हैं उस पर भी बात करेंगे, वो लास्ट सेगमेंट रहेगा। इसके बाद हम आते हैं कैट फाइट। तो मैं नहीं पता, दिव्या खोसला कुमार की एक मूवी आई थी सावीगर के, जो कि सेम टॉपिक पे बातचीत करती है, जो कि है जेल ब्रेक, जो कि अभी अभी जिगरा जो आई है किसकी तुम्हें पता है, दूसरी बिल्ली जो क्यूट है, वैसे तो दोनों बिल्ली ही क्यूट है पर कैट फाइट हो रही है तो बिल्लियाँ होना जरूरी है। तो दूसरी बिल्ली आलिया भट्ट जिनकी मूवी आई थी जिगरा, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पर बात करती है अपने भाई के लिए कि जेल ब्रेक करूंगी, भाई को वापस लाऊंगी क्योंकि वो मेरी दुनिया है। सावी में ऐसा था कि उसका पति फंस जाता है और उसे वापस लाना होता क्योंकि वो उसकी दुनिया है, और ये दोनों दुनिया बचाने के चक्कर में कब लड़ने पड़ी बिल्लियों की तरह पता ही नहीं चला। तो ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, वहाँ से बात करते हैं। तो दिव्या खोसला कुमार जाती हैं थिएटर में और देखने जाती हैं जिगरा, थिएटर खाली होता तो उन्होंने ट्रोल करने के लिए स्टोरी डाल दी, लिटरली स्टोरी डाल दी, इतना बड़ा इंसान तो मैं स्टोरी पे टैग करके कह रहा है कि देखिए आलिया भट्ट आप फेक वो दिखा रही हैं कलेक्शंस, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी मूवी चल रही हो, कलेक्शंस कैसे इतने अच्छे आ सकते हैं जब ये आधे तो थिएटर ही खाली पड़े हैं, आपने पक्का फेक PR कराई है, आपने टिकट्स खुद खरीद के खुद बेची हैं। ब्लैक में अगर आलिया भट्ट टिकट बेची थी मैं जाता हूँ, एक टिकट तो खरीद ही लूँगा यार, आलिया भट्ट बेची है। ठीक है, बिल्ली से भटकेंगे नहीं, बिल्लियों की बातचीत चल रही है। तो दिव्या खोसला कुमार ने कहा कि
ऐसे कैसे मेरी पिक्चर पिटी थी सेम स्टोरी के साथ और सेम स्टोरी वापस से आई है एक महीने बाद दो महीने बाद और चलिए मैं नहीं मानूंगी। तो वही उनका वो ईगो प्रॉब्लम आ गया बीच में, जैसे तुम समझ सकते हो भाई कितनी प्रॉब्लम होती होगी इंसान को जब वो इतने दिनों से अपने आप को प्रूव कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मानो मुझे एक्ट्रेस। और कितनी मूवीज ही चली गई, एक ही मूवी मेरे को याद है अब तुम्हारे यहाँ वाले वतन साथी जिसमें गाना था, बट वही मूवी में थोड़ी एक्टिंग याद है मुझे और मैंने ऐसे कुछ खास उनकी मूवी देखी नहीं है। यारियाँ 2 आई थी उसमें भी वो थी शायद, पर क्यों थी वो नहीं पता, मूवी ही क्यों थी वही नहीं पता। ठीक है अब इससे हटके बात करते हैं तो क्या हुआ, दिव्या कौशला कुमार ने ये ट्वीट किया या इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, उसके बाद अपनी दूसरी बिल्ली की तरफ से आते उनके बिल्ला मैन जो कि उनके बिल्ला गॉडफादर भी कह सकते हो, तो हाँ सीधा सीधा आलिया भट्ट ने ट्वीट नहीं किया ना कि रिस्पॉन्ड किया इस पूरी न्यूज़ पे, जो कि उनके प्रोड्यूसर थे जिगरा मूवी के धर्मा प्रोडक्शन। तुम्हें पता है कौन आने वाला है, हाँ तो करण जौहर सर आए, उनने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला कि मुझे शांति रहना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों पे जो ज़्यादा बोलता है वही बेवकूफ दिखता है। फिर यहाँ से दिव्या खोसला ने कमेंट किया कि जो शांत रहते हैं उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता इसलिए वो शांत रहते हैं, और थोड़ा बकवास ही चली। और फिर एक और पोस्ट डाली गई उसके बाद ही बेंटर खत्म हो चुका है। तो हाँ अभी तक दोनों पालों में शांति है, अब दोनों बिल्लियाँ शांत हो चुकी हैं, जैसे एक बिल्ली तो कभी कुछ बोल ही नहीं थी। बट हाँ दोनों पालों में गर्मा गर्मी का माहौल था, अब थम चुका है। बट जो नहीं थमा है वो है मोर्टीन के धुएं से बचने की प्रक्रिया जो सपने लग चुकी है। और मैं पढ़ता नहीं मोर्टीन को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो अगरबत्ती यूज करता हूँ तुम्हें बता दिया। तो जो इसका सब्स्टिट्यूट है उसका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो सबको कॉपीराइट मार रहा है नाम लेने पे। मतलब तुम सोच सकते हो कि पहले तुम एक टट्टी बनाओगे, तुम हमें दिखाओगे और हम पैसे दे के देखने जाएंगे, उसके बाद हम अगर बात करेंगे उस पर कि ये तो बेकार है, ये चीज आपने ये चीज़ें अच्छी नहीं करी, तो आप मेरे को कॉपीराइट मार दोगे। वाह कॉपीराइट भी मारो तो भी समझ आएगा मेरे को एक सेकंड को कि ठीक है मेरा पैसा तुम ले लो कि मैंने तुम्हारे पे रिव्यू कराया जो भी है मैंने बात करी तुम्हारी मूवी। बट आप क्या करेंगे जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि हम बात कर रहे हैं, छोटे लोग बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे स्ट्राइक ही मार देंगे, मतलब चैनल ही डुबा देंगे बंदे का जो इतनी मेहनत करी। मतलब मेरे को पर्सनली एक साल हो गया तो मेरे को फील होती हैं चीज़ें अब, क्योंकि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने चैनल को लेके, और इट्स लाइक माई जॉब टू बी ऑनेस्ट। जब मैं ये चीज़ें करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उठा के कैमरा कुछ भी बकता हूँ, मैं एक पूरा फॉर्मेट होता है उस चीज़ का जो मैं बोल रहा होता हूँ कैमरे पे। तो ऐसा कोई भी नथ वगैरह आके तुम्हारे को कहता है कि तुम्हारे उन्होंने स्ट्राइक मार दी और अगर मैं 3 मार दूंगा तो तुम्हारा चैनल जाएगा, तो वो दिल में दर्द होता है। तुम अगर एक क्लेम मारने मारो तब भी थोड़ा बहुत लगता है कि क्यों मारा, क्योंकि कि हम क्योंकि हम सब अपने रिव्यूज़ में बहुत कम चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारे को जो स्ट्राइक्स हैं या जो क्लेम्स हैं उनसे दूरी बनाए रखें और हमारे को हमारा पैसा मिले जो हम बातें कर रहे हैं, जो ऑडियंस गैदर कर रहे हैं उनकी वजह से। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है, तो हाँ ये मोर्टीन की वजह से कुछ ऐसा ही हुआ कुछ रिव्यूअर्स के साथ। तो मेरे को लगा बड़े भाइयों के साथ कुछ हो रहा है तो छोटे भाई को बोलना ज़रूरी है, नहीं तो मैं तो देख ही रहा था दूर से खड़े होकर। बट मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसको मैंने अपनी स्ट्राइक वाली वीडियो में बता रखा है, उस पर रिव्यूज नहीं है तो वहाँ पे रिव्यूज चले जाएंगे, बट मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मूवी आई थी जिसको हम कल्ट क्लासिक मानते हैं आज के समय पे, और मैंने उसका रिव्यू किया था बहुत पॉजिटिव तरीके में, वो नेगेटिव थी भी नहीं और वो आज तक भी मैंने वापस से देख ली, तो मेरे पास फुल राइट है क्योंकि मैंने 6 टिकटें खरीदी थी, तो अब मेरे पास राइट होता है क्योंकि मैंने 750 से भी ज़्यादा, हाँ 750 मैंने खुद का अपने दोस्तों के लिए जो भी है हम सब ने आपकी पिक्चर को दिए, तो 750 आपके खाते में जो क्रेडिट हुए हैं वो हमारी वजह से हैं। तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं ऑनलाइन आके बोल सकूँ कि मेरे को मूवी कैसी लगी, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आपको समझना होगा कि आपकी कहीं गलती है, बट मैंने कुछ गलत बोला नहीं था, मैंने पूरा अप्रिशिएट किया मूवी को और मैंने कहा था उस वीडियो में कि जितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है वो थिएटर्स में जाके देखो। मैंने खुद पर्सनली अभी कुछ दिनों जब मेरे को बुखार था उससे कुछ दिन पहले जब लास्ट मूवी मैंने थिएटर्स में देखी वो तुम्बाड़ है, सोचो उस मूवी के लिए मैंने इतनी अच्छी बातें करी थी ना। बट वही है ना जब तुम यूज करते हो उसकी क्लिप जो कि उन्होंने खुद ऑफिशियली अपने चैनल पर डाल रखी है और उस पर स्ट्राइक पड़ती है, लिटरली स्ट्राइक पड़ती है, कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं सीधा स्ट्राइक, तो भाई शैटर हो जाते हैं इंसान के दिमाग के पर अच्छे हो जाते हैं। मेरे अभी 100 रुपये नहीं है और इन्होंने स्ट्राइक मार, मुझे स्ट्राइक मार यार गलती हो गई होगी कल तक कट देगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आज तक भी वो स्ट्राइक पड़ी होगी और मैं लिटरली उसकी क्लिप कभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ इन फ्यूचर भी,
क्योंकि मैं डर चुका हूँ। ठीक है, तो मारवल की मूवी कभी भी आएगी सेकंड पार्ट भी, तो मैं उसके ट्रेलर टीजर को नहीं डालूंगा अपने उसमें रिव्यू में, अगर मैं करूंगा अभी तो वैसे मेरा मन भी नहीं है करने का, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी कहा कि जब कहीं मूवी खराब हो रही है तो क्यों डालूँ। नहीं वैसे उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लाइन मेरी है बस चलूंगे, समझिए तुम। हाँ, तो आज की यही कुछ कॉन्ट्रोवर्सी थी जिन पर मेरे को बात करना जरूरी लगा तो मैं आ गया। बट हाँ, ये लास्ट वाली मोर्टिन का जो धुआं है उसका तो बहुत ही खराब है, उसकी तो हालत ऐसी है कि भाई हगेंगे भी हम, सफाई भी नहीं करेंगे और तुम्हें बोलने भी नहीं देंगे गंदगी है। ठीक है, ऐसा नहीं चलता भाई मूवी का बिजनेस। कितनी बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं उनपर क्रिटिसिज्म मिलता है तभी जो जाके अगले पार्ट में इम्प्रूव करती हैं। अब सोचो जोकर 2 को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है तो क्या कर रहे हैं, सबको कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज द बिजनेस भाई, ऐसी ही चीजें चलती हैं। तुम जाके सबको स्ट्राइक मार दोगे, सबके चैनल उड़ा दोगे तो क्या लगता है तुम्हें अगली बार कोई तुम्हें प्रमोट भी करेगा? मेरे को तो लगता है तुम्हारी कोई अगली मूवी देखने भी जाएगा। तो हाँ, जैसे ये पेशाब या टट्टी जो भी निकली थी निकले रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। मैंने अपने भाइयों के लिए जो बोलना था, अपने लिए जो बोलना था मैंने बोल दिया। और हाँ, सोम शाह अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो स्ट्राइक हटा दीजिए, क्योंकि वो मेरे चैनल के लिए मैटर करती है, मेरे लिए पर्सनली मैटर करती है वो। और कहाँ था उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में बता दिया। बट हाँ, इस वीडियो में मैं थोड़ा हिंट देना चाहूँगा, मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब कर दी है, तो अगर थोड़ी भी विशेष तुम कर सकते हो या प्रेयर कर सकते हो भगवान जी से तो जल्दी ठीक करा दो उनको, क्योंकि यू नो थोड़ा दिल में रहता है कभी कभार। तो हाँ, वो एक चीज़ रह गई दिल में, तो मेरी फैमिली को पूछना बस चलता रहे मस्त। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, और आते रहना मेरे चैनल पर वापस से यही मसाला मजा लेने। बाय बाय।